हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज दोबारा इंदा ग्लोबल लिमिटेड से रिलेटेड। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड यहां पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इंदा ग्लोबल एक्चुअली है क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। 9 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी। एट दैट टाइम अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग लगभग इसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो कितने रुपए के आसपास था, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9 डेज पहले अगर हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पर ये प्राइस चल रहा है 90 के आसपास, ये शेयर चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको दिया था। और अभी ये शेयर 115 पे चल रहा है और उसके बाद 90 पे दिया था, 128 के आसपास ये गया अभी था। तो लगभग 36% के रिटर्न आपको 9 दिन के अंदर अंदर मिल गए। ना ये रिटर्न बैंक में मिलते हैं, ना ही ऐसे रिटर्न और कहीं मिलते हैं। तो अब एग्जैक्टली करना क्या है और क्या कर सकते हो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। इंडा ग्लोबल से रिलेटेड एक बार दोबारा आपको मैं बताता हुआ नजर आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब शेयर नीचे आने लग जाता है तो लोग घबराने लग जाते हैं कि एग्जैक्टली बेचना चाहिए खरीदना चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और वीडियोज को जाके देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या होता हुआ नजर आता है। और हमारा आपको पता ही है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, जो कि आप 8860540501, 8169260307 इस पे कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बट ये चार्जेबल है, 1000 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। और यहाँ देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप पे वेल क्रिएटर 5%, 8%, 3%, 11%, 6%, 5% एंड विद इन अ मंथ 45% क्रिएटर, 4% यस्टरडे 20, उससे पहले फिर 6 भागा, फिर यहाँ पर 4 भागा है, फिर 6% ब्रेकआउट, 3% एंड आई होप ऑल आर मेकिंग माई गुड मनी, बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरीके के यहाँ पर मैसेज आते रहते हैं, ग्रुप में हम डालते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का आनंद ले सकते हैं। और दूसरा ग्रुप और है प्रीमियम, वहां पर मैं खुद मैनेज करता हुआ नजर आता हूँ एक तरीके से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरह। तो यहाँ पर आप हो सकते हो, ऐड हो सकते हो, वहां पर भी उसकी फीस अलग है। और इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स, ये शेयर कहाँ से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से भागते हैं, इसके पीछे का रीजन है ये कोर्स। फंडामेंटल बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस, रिसर्च बेसिक्स टू एडवांस, ये सब सीख लिया आपने, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। बस थोड़ा सा फिर इसके बाद 6 महीने और मार्केट के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर शेयर कभी ऊपर के लेवल पे फंसोगे नहीं, ओके, और बढ़िया ऐसा एक सही टाइम पे यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। 90 की बात करूँ तो देखिए 90 पे तो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, बट मैंने लगभग 80 और 75 रुपीज के आसपास यहाँ पर अपने इसी ग्रुप में ये शेयर को यहाँ पर देते हुए नजर आए थे। तो इंदा रबर की अगर हम बात करें तो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, माइक्रो कैप कंपनी है, 296 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है, 40 का पी है, इंडस्ट्री का पी 22 का है, तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है, बट हमें ये चीज नहीं देखनी होती, मैं हमेशा कहता हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पी देखो, बट पी नहीं देखना चाहिए। डेट की बात करें, डेट फ्री शेयर है, 128 का इसने हाई लगाया था परसों, 113 पे ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। और शेयर की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो देख सकते हैं, कभी ये शेयर यहाँ पर 200 प्लस पे का यहाँ पर टारगेट थे, बस क्या चीजें नहीं चाहिए और अब दोबारा उसी डायरेक्शन की तरफ ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 73% के आसपास, FIIs भी है, DIIs भी है। पब्लिक की बात करें 23% के शेयर है, उसमें भी कुछ बड़े बड़े लोग हैं उनके पास ये शेयर है। तो क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ पर सबके पास अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग हमें नजर आती है, ओके। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ लोगों ने ये शेयर 880 के आसपास भी यहाँ पर खरीद रखा है। कुछ लोगों की यहाँ पर परचेजिंग की हम बात करें तो यहाँ पर ये ग्रुप है 2017 में 178 पे भी खरीदा है। तो चीजों को आपको समझना है कि वहां तक तो शेयर को जाना ही जाना है, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं शेयर को वहां पर ले जाने की, और यही लोग उस शेयर को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। ये कैसे पता चलता है, ये कैसा होता है, पूरी स्टडी यहाँ पर जब रिसर्च का पार्ट होता है ना, हम बताते हैं किस किस तरीके से चार्ट चलते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर हम बताते हुए नजर आते हैं। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग भी देते हैं, 15,000 रुपीज की 1-to-1 क्लासेस है, बट जब आप 1 तारीख के बाद ज्वाइन करेंगे तो यही 17,500 के भी यहाँ पर फीस बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑनलाइन नोट्स और स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज करते हैं वो, तो ज्वाइन कर लीजिए, फायदा आपको ही होता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज हम बात करें इंदा ग्लोबल की, तो यहाँ पर बैलेंस शीट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 200 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, कोई बोरिंग नहीं है, 2 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में खर्च कर रखे, जैसे ही काम कंप्लीट होगा दोबारा शेयर यहाँ पर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट है 102 करोड़ का और कैश की बात करें 2 करोड़ के आसपास का कैश भी है। तो छोटी कंपनी है तो उसी तरीके के यहाँ पास फंडामेंटल नजर आते हैं अच्छे है पर।
यहाँ पर देखें तो शेयर कभी इसी प्राइस पे यहाँ पर हुआ करता था, अब यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे शेयर प्राइस यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। काफी टाइम बाद अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी के आते हुए दिखाई दे रहे। और ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे, तो देखिए यहाँ पर 60 और 63% के यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंपनी के मार्जिन देखिए लगातार यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा और नेट प्रॉफिट की बात करें वो बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए काफी टाइम बाद, लगभग लगभग 10-11 क्वार्टर के बाद यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडामेंटली की बात करें तो फंडामेंटल के बेसिस पे ये शेयर काफी यहाँ पर बढ़े नजर आता है, अच्छा नजर आता है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग और थ्रेड रबर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी बनाती हुई नजर आती है। कंपनी 1978 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जॉइंट वेंचर था किमका ग्रुप के साथ, ये लास्ट टाइम में मैंने बताया था, जो कि बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर ये कंपनी का जॉइंट वेंचर भी हुआ है, बेदाक बैन सॉरी बैनदाक। और यहाँ पर देखिए कंपनी की यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी किन किन को कैटर करती है, मतलब यहाँ पर देखिए मिदास थ्रेड, वामसी रबर, एलगी रबर, जो कि मैंने कल परसों वीडियो भी बनाई थी, इंटरनेशनल और एमआरएफ और जेके टायर आर द की कॉम्पिटिटर टू एनडाग। ओके, तो यहाँ पर ये सारे के सारे इनके क्या है कॉम्पिटिटर है जितने भी ये टायर बनाने वाली कंपनी है। एज वेल एज बात करें 25% मार्केट शेयर भी इन्होंने ले रखा है, तो ये अच्छी खासी बात है, इस चीज को आपको भूलना नहीं चाहिए। कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया हुआ है, तो कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली और आगे के बारे में भी सोच रही है, अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के नंबर्स अच्छे खासे हैं, कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफी टाइम बाद अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, एक रेंज से शेयर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया है। और शेयर अभी तो कुछ नहीं भागा है, अभी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़े बहुत यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल यहाँ से बात करें तो शेयर 38-40% के नंबर है, और यहाँ पर अब क्या करना है। तो देखिए शेयर में एक तेजी आई, मार्केट में प्रेशर आया, मार्केट में ये शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अगर ये शेयर 100 रुपीज के आसपास आ जाए तो यहाँ पर मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि दैट वुड बी द गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि यहाँ पर जो शेयर मूव करता हुआ नजर आएगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि शेयर यहाँ पर अब गिरता हुआ नजर आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका हाई 124 को ये निकालेगा, ओके 125 को निकालेगा, तो ये ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, और ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा शेयर यहाँ पर पहले 130 और उसके बाद एक एक करके ये सारे के सारे 164 और ये 203 और ये सारे के सारे टारगेट इसमें अचीव होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि लगभग 100% के टारगेट मुझे नजर आते हैं। और ये शार्प टारगेट है, याद रखिए तुरंत मिलने वाले यहाँ पर टारगेट है, जो कि मुझे तुरंत यहाँ पर नंबर मिलेंगे। और चीजें फिर यहाँ पर रुक नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर नंबर है और मुझे यहाँ पर नजर आता है, ये किस तरीके से पता चलता है, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर के नंबर और अच्छे आने वाले हैं। और जब ये नंबर अच्छे आने वाले हैं तो याद रखिए शेयर प्राइस और ऊपर भागने वाला है, और जब ऊपर भागेगा और किस तरीके से वॉल्यूम का यहाँ पर वॉल्यूम किस तरीके से प्राइस के साथ यहाँ पर मूव करता है, RSI क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, बेहतरीन, मतलब ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न देने वाला है। तो जस्ट आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, अगर कोई एंट्री भी ले रहा है तो एक छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए 110 रुपये के आसपास, या और थोड़ा छोटा रखना है तो 94, ओके 10-12-20 रुपये के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस, और ऊपर यहाँ पर 100% के टारगेट, और इसे ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें, चीज़ों को यहाँ पर देखिए और वीडियोज़ को देखिए, ताकि चीज़ें समझ में आए किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये शेयर यहाँ पर 175% के रिटर्न बने 3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पर 45% के रिटर्न बने 1 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर देखिए ये कोर्स है, कोर्स को कल ज्वाइन कर लीजिए, सीखना है, सीख के बिना अगर पैसे डालोगे तो यहाँ पर हमेशा घाटा होगा, फिर बार बार बता रहा हूँ। एज वेल एज यहाँ पर बात करें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, फायदा लीजिए हमारे बताए हुए शेयर्स का, एज वेल एज प्रीमियम ग्रुप। अगर कोई हमें किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है तो हमसे कॉन्टेक्ट करके हम उसे अच्छे से मैनेज करते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।